Hello and welcome to Achievers Hive. Dear children, today we are going to talk about J.P. Guilford's intellectual model. ये एक ऐसा मॉडल है जो आप चाहे क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में से पढ़ रहे हो. इस मॉडल को आज हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं वो हैं इसकी डायमेंशंस, क्योंकि वहीं पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने में. तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ PDF जिसको आप रिसीव कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से. बट बिफोर आई कम टू द डायमेंशंस, पहले इस मॉडल के बारे में और J.P. गिलफोर्ड किस तरह से इस मॉडल के इतना करीब पहुंचे, क्या उन्होंने सोचा जो इस मॉडल को एग्जिस्टेंस में लाया गया, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं. तो देखिए, J.P. गिलफोर्ड जिनका नेम है जॉय पॉल गिलफोर्ड, उन्होंने इस मॉडल को डिस्कवर किया क्योंकि बचपन से ही वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे. उस समय पे उन्हें ये टर्म नहीं पता थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. आई होप कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानते होंगे. एक पर्सन दूसरे पर्सन से जिस एस्पेक्ट पर, जिस बेसिस पर डिफर करता है, उसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो किसी दूसरे के पर्सन के अंदर या तो नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो उसकी डिग्री डिफर करती है. इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. तो जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत इंटरेस्टेड थे और वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करते थे कि उनके जो सिबलिंग्स थे या आसपास के जो बच्चे थे, वो किसी भी चीज़ को परसीव करने में, अंडरस्टैंड करने में उनके जैसे नहीं थे या फिर वो उनसे डिफरेंट थे, इन चीज़ों ने उनका इंटरेस्ट जगाया. और 1940s तक आते आते जब उन्होंने साइकोलॉजी के वो प्रोफेसर बने, उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च करना शुरू किया, वर्क करना स्टार्ट किया और इंटेलिजेंस पर उन्होंने बहुत वाइडली रिसर्च करी. जब उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया, उससे पहले स्पीयरमैन के थॉट्स आ चुके थे, यूनिफैक्टर थ्योरी आ चुकी थी, उन्होंने सिंगल फैक्टर होने इंटेलिजेंस का डिस्कार्ड किया, उन्होंने जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर को भी डिस्कार्ड किया और यहाँ तक कि उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया. उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस नहीं है, इस तरह से इंटेलिजेंस को हम डिफाइन नहीं कर सकते. जहाँ पर एक तरफ वो एक सिंगल फैक्टर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वहीं पर दूसरी तरफ वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. गिलफोर्ड की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में ही आती है, लेकिन ये खुद के जो जिस तरह से अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करना चाहते थे, उसे ये डायमेंशंस में देना चाहते थे. लेकिन अब तक उससे पहले जो मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफाइंड था वो दूसरे तरीके से डिफाइंड था. एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो इनकी थ्योरी है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती है. आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म साइकोमेट्रिक अप्रोच. अगर आप नहीं है तो चलिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटेलिजेंस को दो ब्रॉडली कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था. एक थी साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरी थी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. साइकोमेट्रिक अप्रोच में वो सारी अप्रोचेज रखी गई, वो सारी थ्योरी रखी गई जिन थ्योरीज में इंटेलिजेंस को एक फैक्टर के रूप में डिफाइन किया गया, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के इंडेक्स के रूप में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के रूप में, स्ट्रक्चर की तरह से जिसको हम डिफाइन कर सकते थे, चाहे वो 3D में हो, चाहे वो लेवल्स में हो, या फिर वो डिफरेंट स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स के फॉर्म में हो. दूसरी तरफ जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस को एज एन इन्फॉर्मेशन देखा गया जो कि प्रोसेस होती है एक पर्सन के माइंड में, जहाँ पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी वगैरह आती हैं. खैर, हम उधर नहीं जाते हैं. हमारा जो टॉपिक है वो है J.P. गिलफोर्ड्स मॉडल, जिसे हम बहुत सारे नेम्स के जानते हैं, जैसे कि गिलफोर्ड्स 3D मॉडल. सिंपल तो ये आपने सुना ही होगा. इसके अलावा इंटेलेक्चुअल मॉडल भी कहते हैं, गिलफोर्ड्स इंटेलेक्चुअल मॉडल, 3D मॉडल, या फिर गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या इंटेलेक्ट. तो कई नाम जाने जाते हैं, काफ़ी सिमिलर ही हैं सारे नाम, कोई नाम इतना अलग नहीं है जो पहचान में ना आ सके. तो हम J.P. गिलफोर्ड के मॉडल की बात करते हैं. इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइड किया. सबसे पहले जब इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था, तो इन्होंने 4 × 5 × 6 यानी कि 4, 5 और 6, 3, 3 इसकी डायमेंशन दी थी, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशन, कॉन्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये तीनों क्या होते हैं, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तीनों के ही डिफरेंट इन्होंने स्ट्रक्चर दिए थे, जिसमें उन्होंने 4, 5 और 6 यूनिट दी थी और कहा था कि ये जो तीनों हैं मल्टीप्लिकेशन में बनके 120 सेल्स बनाते हैं. एक्चुअली में J.P. गिलफोर्ड ने अपने मॉडल में एक क्यूबिक स्ट्रक्चर की हेल्प ली थी, इसलिए इनके मॉडल को क्यूबिक मॉडल भी कहा जाता है. जैसे कि आप जानते हैं क्यूबिक जो होता है, जब हम एक क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इट हैज़ 3 dimensions, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सिमिलर goes with the case of intelligence. Intelligence को उन्होंने 3 different dimensions में divide करा, और उन dimensions को जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, वो जो dimensions हैं, different dimensions, उनके भी और parts define करें कि वो वहाँ पे क्या actual में exist करता है. तो 4, 5 और 6 इन्होंने initially दिए थे. अगर हम इनकी multiply करें तो हमारे cuboid में 120 cells बनती हैं.
उसके बाद उन्होंने अपने मॉडल में चेंजेस करे और 5, 5 और 6 दिए, जिसकी हेल्प से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 एंड देन 6 बिकम्स 150, 150 सेल्स बने। लेकिन उन्होंने फिर अपने मॉडल में अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस किए और लास्ट में जो फाइनली जो सेल्स निकल कर आए, जहाँ पे उन्होंने मेमोरी को स्प्लिट किया है, तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 180 सेल्स। तो जो प्रेजेंट में हम मॉडल पढ़ते हैं उनके, उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि उसके टोटल 180 सेल्स होते हैं। तो चलिए अब हम इस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये जो उनकी 3 डायमेंशंस है वो क्या है। आप ऐसे मान के चलिए कि मैंने आपको अभी तक डायमेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर विजिबल करा के ही चीजों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिससे आपको एक्चुअल में समझ में आए कि जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो लेट अस क्विकली बिगिन विद दैट। तो स्क्रीन पर आपके सामने है डायमेंशन ऑफ गिलफर्ड्स 3D मॉडल। गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने 3D मॉडल में इंटेलिजेंस की 3 डायमेंशंस डिफाइन करी हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसे आप पहले भी देख चुके हैं। 1 इज कंटेंट, जो फर्स्ट डायमेंशन है, 2nd इज प्रोडक्ट्स, 3rd इज ऑपरेशंस। ये जो तीनों डायमेंशन है इनके आप पार्ट्स देख सकते हैं क्यूबिक की फॉर्म में, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, जहाँ पे 5, 6 एंड 6 टोटल सेल्स हैं, जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 180 सेल्स। और ये डिफरेंट सेल्स इंटेलिजेंस को कंप्राइज ऑफ करती हैं, और ये डिफरेंट सेल्स जो हैं वो इंटेलिजेंस को फॉर्म करती हैं ऑल टुगेदर, यही इन्होंने अपने मॉडल में डिस्क्राइब किया है। तो ये पिक्चर तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो डिफरेंट डायमेंशंस में से जो ऑपरेशंस निकल रहे हैं वो क्या हैं। द कॉन्टेंट डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉड एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है जिस पर ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। क्या क्या कॉन्टेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले होता है विजुअल। विजुअल मीन्स इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फॉर स्टिमुलेशन ऑन द रेटिना इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। वैसे भी आप जानते हैं कि विजुअल चीज़ें क्या होती हैं, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम व्यू कर सकते हैं, तो दैट इज विजुअल। तो कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दैट कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट डायमेंशन। देन कम्स ऑडिटरी। बिल्कुल जैसे विजुअल होता है उसी तरीके से जब हम चीज़ों को सुनकर अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ईयर्स के स्टिमुलेशन से अराइज होती है उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी। इसके बाद अगर हम बात करें सिंबॉलिक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंबल्स के फॉर्म में हमें दिखती हैं और हम उसको ऐसे कैसे माइंड में समझ लेते हैं। जैसे आपने कई बार एम्बुलेंस पे प्लस का साइन बना देखा होगा, तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि दिस शोज, ये कहीं मेडिकल टर्म को डिफाइन करता है, किसी मेडिकल सिंबलाइज करता है। तो ऐसे सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जिनका एग्जैक्टली ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता, जैसे अरबिक न्यूमरल्स होते हैं, तो जैसे V हो गया, I हो गया, अब उसका क्या मतलब है आप जानने की कोशिश नहीं करते, A जो है वो A क्यों है इसे आप फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करते, बट एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक इजीली पहुंच जाती है, आप उसको देखकर समझ जाते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके करना। तो इन्फॉर्मेशन परसीव्ड इन वर्ड्स और सेंटेंसेस, वेदर ओरल और रिटन, साइलेंटली इन वन्स माइंड, किसी भी पर्सन के माइंड में, चाहे वो साइलेंटली भी क्यों ना रिसीव हुई हो, लेकिन वो समझ के साथ जब डेवलप होती है तब उस इन्फॉर्मेशन को हम सिमेंटिक बोलते हैं। इसके बाद एक और साइड इसकी आती है जो होती है बिहेवियरल। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम किसी के एक्ट के थ्रू परसीव करते हैं, किसी के इंडिविजुअल के बिहेवियर के थ्रू परसीव करते हैं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है बिहेवियरल। तो ये कुछ डोमेन्स हो गए। इसके बाद हम ऑपरेशन डोमेन्स की बात करें, तो ऑपरेशन किस किस तरीके से होता है, इसमें 6 काइंड ऑफ ऑपरेशन आते हैं, जिनको हम जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस भी कहते हैं। ये भी जो हमने पहले अभी 5 डायमेंशंस पढ़े, या 5 डोमेन्स, डायमेंशंस जो भी कह सकते हैं आप पढ़े, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस को दिखाते हैं, उनके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और हमारा इंटेलिजेंस फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कॉग्निशन। कॉग्निशन आप जनरली भी जानते हैं कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, परसीव और उसको एनालाइज करना, डिस्कवर एंड बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। तो ये चीज़ जो होती है वो कॉग्निशन होती है। कॉग्निशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को रिसीव करते हैं, फिर दिखाते भी हैं। मेमोरी रिकॉर्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जाती है तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड होती है, उस वो वहाँ पर स्टे तो करती है, लेकिन उससे पहले वो रिकॉर्ड होती है। इसीलिए मेमोरी को इन्होंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। पहले ये मेमोरी सिर्फ एक मेमोरी थी, लेकिन इसी को इन्होंने चेंज करा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेमोरी रिकॉर्ड करने के बाद फेड आउट भी हो जाती है। तो ये भी एक पावर है कि पर्सन उस मेमोरी को रिटेंशन कितना कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो ये भी एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को दिखाता है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड देन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन फिगर आउट कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम एक है, लेकिन उसके को सॉल्व करने के हमारे पास रास्ते कई सारे होते हैं, ऐसे में वो हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को दिखाता है। या फिर कई सारे हमारे पास रास्ते होते हैं, लेकिन क्या उसमें से बेस्ट रहेगा, क्या वो सोल्यूशन है जो उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सूटेड है, ऐसा जब हम कर पाते हैं तो वो कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है। ये दोनों भी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं जो अगर एक पर्सन के अंदर होती हैं
तो उसके इंटेलिजेंस को ऑल टुगेदर फॉर्म करती है। इसके बाद इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये फिगर आउट कर पाते हैं कि वो जो पर्सन है कितना एक्यूरेसी से किसी चीज़ को जज कर पा रहा है। ये जज करने की जो कैपेबिलिटी होती है, द प्रोसेस ऑफ जजिंग वेदर द आंसर इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड। कि इवेल्युएशन क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ जजिंग समथिंग वेदर इट इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड, तब हम इसको बोलते हैं कि इवेल्युएशन होता है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट डोमेन्स की बात करें तो ये वो डायमेंशंस होती हैं विच कंटेन्स रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स के ऊपर जब डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं तो जो हमें मिलता है वही चीज़ प्रोडक्ट है। सिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं यूनिट। कोई इन्फॉर्मेशन या तो हमें सिंगल आइटम के फॉर्म में मिलेगी, सिंगल टर्म में मिलेगी, तब हम उसको यूनिट कहते हैं। वैसे भी आपको पता है यूनिट स्टैंड फॉर द यूनिटी, सिंगल ऑब्जेक्ट। क्लास मतलब अ सेट ऑफ सेम आइटम्स दैट शेयर सम एट्रीब्यूट्स। कोई एक सेट ऑफ आइटम्स है लेकिन एट्रीब्यूट्स पर वो सेम है तो उसको हम बोलते हैं क्लास। वैसे भी एक क्लास में एक ही एज लेवल के बच्चे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्ट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शो करती है क्लास को। रिलेशंस की अगर हम बात करें, रिलेशंस रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन बिटवीन आइटम्स और वेरिएबल्स। उन डिफरेंट सेट ऑफ आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये दिखाते हैं रिलेशंस के थ्रू। दीज मे बी लिंक्ड एज ऑपोजिट्स और इन एसोसिएशन सीक्वेंस और एनालॉजीज। सिस्टम होता है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स और नेटवर्क्स विद इंटरैक्टिंग पार्ट। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल में बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनिट में हमें सिंगल चीज़ थी, क्लास में एट्रीब्यूट सेम थे बट क्वांटिटी बढ़ गई थी, रिलेशंस में उनके बीच के रिलेशनशिप की हमने बात करी। सिस्टम जो है वो पूरा एक सिस्टम को दिखा रहा है जहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस भी इंटीग्रेट हो रहे हैं आपस में। ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया चेंज, पर्सपेक्टिव, कन्वर्जन और म्यूटेशंस टू नॉलेज सच एज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, इस तरीके से जब हम देखते हैं इंटेलिजेंस को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कि किसी सिंगल वर्ड को कोई बच्चा सीधा भी पढ़ लेता है, रिवर्स वे में भी पढ़ लेता है, तो इसका मतलब होता है कि वो उसको कंसेप्ट को समझ रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर पाता है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रिडिक्शन, इन्फ्रेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज और एंटिसिपेशंस ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज है उसको इम्प्लाई कर पाना, कहीं पर यूज़ कर पाना, उस जो नॉलेज रिसीव हुई है उस नॉलेज का कहीं पर किसी तरीके से इम्प्लीकेशन कर पाना, इस कॉल्ड इम्प्लीकेशंस। तो ये कुछ डायमेंशंस थी जिनको हमने पढ़ा, थ्री डायमेंशंस थी और उनके सब पार्ट्स हमने देखे। और बेसिकली कॉन्टेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो इन्फॉर्मेशन बनती है। तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन तीनों डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डायमेंशन एक ही सिचुएशन में फिट होती हैं, कैसे ये इंटेलिजेंस को फॉर्म करती हैं डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसको हमने डिफरेंट वर्ड्स का एक सेट दे दिया और उसको लर्न करने के लिए कहा कि आप इसको लर्न करो, तो होगा क्या कि जो बच्चा है वो उसको लर्न करेगा अंडरस्टैंड करके, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ वो तरीका निकालेगा। तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो हो जाएगा सीमेंटिक, क्योंकि बच्चा अंडरस्टैंड करके उसको लर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीमेंटिक। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट होगा यूनिट। क्यों होगा, उससे पहले ऑपरेशन समझ लेते हैं। पहले ऑपरेशन समझना ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट तो हमेशा लास्ट में ही आता है। यहाँ पर वो जो ऑपरेशन यूज़ करेगा वो होगा मेमोरी, क्योंकि मेमोराइज कर रहा है बच्चा, यहाँ पे लर्न कर रहा है, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेमोरी रिटेंशन भी हो सकता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें होंगी। रिटेंशन भी होगा क्योंकि उसको सेव करके भी वो रखेगा। अब जिस तरह से वो आपके सामने उन वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है वो यूनिट्स होंगे, आपको एक एक यूनिट बता रहा है, क्योंकि वर्ड्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। मैंने यहाँ पे अनरिलेटेड वर्ड बोला है इसीलिए यूनिट होगा। अगर रिलेटेड वर्ड्स हैं तो वो क्लास भी हो सकता है, रिलेशंस भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस का ये मॉडल डिफरेंट डायमेंशंस में कनेक्ट होकर इंटेलिजेंस को फॉर्म करता है, जिसको एग्जांपल की हेल्प से इस वीडियो में हमने समझा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये था। अगर आपको लगता है इट इज़ वर्थ वॉचिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ बेटर वे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।